हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकेला फर्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का सेंटअप एग्जाम का मैथ का सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊ आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि यदि ए बराबर 3 पर पावर 4 × 5 पर पावर 3 तथा बी बराबर 3² × 5² तो मस मस ए बी बराबर भाट। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी 225। नेक्स्ट, 0.43 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी क्यू पूर्णांक पी हिजकल टू 0। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 43/99। नेक्स्ट, सम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी 360 डिग्री। नेक्स्ट, 11/80 का दशमलव प्रसार है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी शांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 41। नेक्स्ट, बहुपद 8x + 14 का शून्यक है, तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी -7/4। नेक्स्ट, 128/168 का सरलतम रूप है, तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 16/21। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर में हो जाएगा डी, यानी √5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी (x+1)²(3)(x+1)। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी √3/9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्य को 5 और -3 है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी (x²−2x−15)। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन 3x − y = 0 तथा 3x + 5y = 36 का हल, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी (x)² और (y)ₛ6। नेक्स्ट, बहुपद (x²−15x+56) का घात होगा, तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 2। नेक्स्ट, यदि दो चरों में रैखिक समीकरणों को अलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हल की संख्या है, तो इसका आंसर में हो जाएगा सिर्फ एक हल। नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद (px)(x)²−3x²+1 के शून्यकों का योग होगा, तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 3। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 3/9 का सार्व अंतर होगा, तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी 4/3। नेक्स्ट, यदि (ax²+bx+c)₀ के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी (b²)₄ac। नेक्स्ट, सभी वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी समरूप। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण (ax²+bx+c)₀ तो (a)₀ का मूल्य होता है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी (x)−b + √√(b²−4ac/2a।
नेक्स्ट, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है जिसमें कोण पी क्यू आर एस बराबर 100 डिग्री तथा कोण पी क्यू आर बराबर 70 हो तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 30 डिग्री। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 25वां पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 53। नेक्स्ट, बिंदु 8, 0 स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एक्स अक्ष पर। नेक्स्ट, समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 8वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 0.11, 0.11, 0.111। नेक्स्ट, यदि किसी दीर्घात बहुपद में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+8 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर में जगह ए, यानी 8। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी के जिसके शीर्ष एक ब्रैकेट -2, 10 बी ब्रैकेट 5, -4 और सी ब्रैकेट 6, 10 हैं तो केंद्रक का निर्देशांक है, तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी 3, 2। नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 100:121 हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो इसका आंसर में हो जाएगा डी, यानी 10:11। नेक्स्ट, बिंदुओं ब्रैकेट 4, 0 और 5, 1 के बीच की दूरी, तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी √2। नेक्स्ट, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी थेल्स ने। नेक्स्ट, मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो इसका आंसर में हो जाएगा डी, यानी 0.0। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और आर पी बराबर 6√3 हो तो कोण पी का मान कितना होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी 90 डिग्री। नेक्स्ट, यदि बिंदुओं ए ब्रैकेट -3, a और बी ब्रैकेट 1, a+4 को मिलने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु क्यू ब्रैकेट -1, 1 हो तो a का मान क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी -1। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में डी ई लंब बी सी और ए डी बटा डी बी 1.5/3 यदि ए ई बराबर 1 हो तो ए सी बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी 13/12। नेक्स्ट, यदि एक 12 सेंटीमीटर ऊंचे
खंभे की छाया पृथ्वी पर 4.3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी 60 डिग्री। नेक्स्ट, 1 + 10² बराबर है तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी सेक स्क्वायर। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी थीटा बटे 360 इंटू 2π r। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप के बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी 2 इकाई। नेक्स्ट, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो साइने इंटू कौसे बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी 1। नेक्स्ट, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी है तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सेक ब्रैकेट 90 - a तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी कौसेक ए। नेक्स्ट, यदि शंकु की त्रिज्या आर तथा तिर्यक ऊंचाई एल हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी यानी π r l। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन 1/2 के बराबर है? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी sin 30। नेक्स्ट, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी 2:3। नेक्स्ट, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी 30 डिग्री। नेक्स्ट, जब दो सिक्के को उछाले जाते हैं तो दो चीत आने की प्रयोक्ता क्या होगी? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी 1/2। नेक्स्ट, पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण APO बराबर 30 डिग्री हो तो कोण AOB बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी 60 डिग्री। नेक्स्ट, यदि कौसे बराबर साइन है तो ए का मान क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए बराबर 45 डिग्री। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्त का कोण होता है तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos² थीटा बराबर व्हाट? तो इसका आंसर में हो जाएगा डी यानी 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रत्यक्षता हो सकती है? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए यानी 1। नेक्स्ट, 2, 4, 6, 2, 0, 6, 3, 6, 8 का बहुलक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 6। नेक्स्ट, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी यानी 1430 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, आंकड़े में 13, 26, 16, 23 और 7, 17, 12, 9, 20, 11, 31, 21, 33 का परिसर क्या है? तो इसका आंसर में हो जाएगा
ए यानी 26, नेक्स्ट, यदि बेलन की आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा उसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, साइन 29 बटे cos 61 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, दिए गए त्रिभुज एबीसी में टैन थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी 4/3। नेक्स्ट, कौसे इंटू से के बराबर भाट? तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी 1। नेक्स्ट, बिंदु ए ब्रैकेट -A, -B की दूरी मूल बिंदु से होगी? तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी √A² + B² फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो प्लीज फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।